नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई, बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को होना जरूरी है। खास तौर से गल्फ कंट्रीज में सापुरजी पालोनजी कंपनी का नाम सुना होगा। सापुरजी पालोनजी है, वैसे सापुरजी पालोनजी बोल देते हैं शॉर्ट तरीके से। गुजराती कंपनी, आपको पता है ये कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी मैं मानता हूँ। ये बता दूँ, एक आदमी ने शुरुआत कर दी। इसका पूरा इतिहास मैं बताऊँगा, इसमें बहुत सारे लोग काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं। ये एक ऐसी कंपनी है कि सैलरी कम देती है, अच्छी इसमें सुविधा मिलती है, ओवर टाइम बहुत अच्छा मिलता है भाई। बहुत सारे मेरे भी जानकार रिश्तेदार लोग इन कंपनीज में रहते हैं, रह के आए भी हैं। बेस्ट कंपनी है सापुरजी पालोनजी। आप सबको पता है सैलरी हालांकि कम देती है, मेसन में भी 1100-1100 रुपये सैलरी है, लेकिन एक आदमी 25-30 हज़ार रुपये आराम से कमा लेता है ओवर टाइम करके। तो इसकी हम डिटेल से बात करेंगे, ये कंपनी कब से शुरुआत हुई, कहाँ की है, अब इस कंपनी की क्या स्थिति है, कितने वर्कर इस कंपनी में काम करते हैं, तो डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पे पेज को फॉलो करके रखें ताकि आपको गल्फ कंट्री से रिलेटेड से इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। कंपनी का सही नाम सापुरजी पालोनजी है। जी हां साथियों, शुरुआत की बात करें तो बता दूं 1865 में, जी हां साथियों, यानी अंग्रेजों के जमाने से पहले से इस कंपनी की शुरुआत हो चुकी थी। इसके जो मालिक हैं उसके नाम से ये कंपनी चल रही है। नाम ही था पालोनजी सापुरजी मिश्री। जी हां साथियों, इस कंपनी का ये नाम, ये अपने नाम से कंपनी बनाई गई है। जो अभी जो चला रहे हैं उनके दादा परदादा थे, 1865 की मैं बात कर रहा हूं, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर थे। कॉन्ट्रैक्टर समझ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर होता है ना कि भाई आप शादी में कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं या फिर बिल्डिंग लाइन में कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर थे। टैक्सी वाले कॉन्ट्रैक्टर हो जाते हैं, वैसे कमीशन बेस पे काम करते थे 1865 में। आज इस कंपनी की हैसियत यह है कि ये 70 कंट्रीज में ये कंपनी फैल चुकी है। लाखों की संख्या में इसमें लोग वर्कर हैं जो इसमें काम करते हैं। हालांकि इसमें 70,000 वर्कर दिखाए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता 70,000 वर्कर हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वर्कर हैं। या 70 देशों में कंपनी है तो क्या 70,000 वर्कर ही होंगे? दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, सब जगह कंपनी है। आप जो लोग रह रहे हैं आपको पता ही होगा 70 देशों में इस कंपनी का व्यापार है। व्यापार कौन से सेक्टर में बता दूँ, 6 तरह के सेक्टर में ये व्यापार करती है ये कंपनी। अभी अगर बात करें तो ये कंपनी 70,000 लोग काम करते हैं, 18 कंपनियां इनके पास हैं। जी हाँ, 18 कंपनियों के माध्यम से 70 देशों में व्यापार है। सापुरजी पालोनजी ग्रुप की जिम्मेदारी साइरस के बड़े भाई सापुर के कंधों पर है। सापुर चेयरमैन है, वहीं 91 ईयर्स ओल्ड पालोनजी ग्रुप चेयरमैन है। समूह की दुनिया भर में 18 कंपनियां हैं। कुल 6 क्षेत्रों में इंटीरियर सेगमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, वाटर एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विस में काम करती है। जी हाँ साथियों, इनकी अगर बात करें तो बता दूं 1965 में शुरुआत की कंपनी हुई थी। आरबीआई के बिल्डिंग उन्होंने बनाए, पैलेस बनाए। आपको पता है ओमान के जो सुल्तान पैलेस है ओमान का, वो भी इसी कंपनी ने बनाया। जी हाँ, इस कंपनी ने टाटा समूह की कई इमारतों के कंस्ट्रक्शन का काम किया। इनके अलावा बॉम्बे सेंट्रल ट्रेन टर्मिनल्स, आरबीआई बिल्डिंग, बैंक ऑफ इंडिया, CHABC बिल्डिंग, टाटा जमशेद, बाबा थिएटर, ताजमहल टावर, द ट्राइटेंड। सापुरजी के बाद उनके बेटे पालोनजी ने विदेशों में काम फैलाया। उन्होंने ओमान में सुल्तान पैलेस और गाना में प्रेसिडेंट पैलेस भी बनाया। जी हाँ साथियों, यानी ये छोटी सी एक कंपनी थी अगर देखा जाए तो भाई, एक आदमी ने 1865 में स्टार्ट की थी, आज ये बढ़ के 3-4-5 पीढ़ियों तक पहुँच गई। 70 देशों में इनके कारोबार फैला है, लाखों लोग, लाखों मजदूर इसमें काम करते हैं। खासतौर से हमारे खाड़ी देशों में दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, सब जगह पालोनजी की शाखाएं हैं। और भाई कंपनी अच्छी है, जो लोग इसमें काम करें उनको पता, हालांकि सैलरी इसमें कम है, सुविधाएं अच्छी मिल जाती है, लेकिन ओवर टाइम इस कंपनी में अच्छा मिल जाता है। एक आदमी 800 दराम में भी इसमें नौकरी करता है, वो भी 20,000-25,000 रुपये आराम से मजदूरी कर लेता है। तो मेरे हिसाब से ये सापुरजी पालोनजी के बारे में मैंने बताया है, इतिहास उसका कैसे क्या रहा, ये जानकारी देनी थी साथियों। सापुरजी पालोनजी जो जाना चाहते हैं भाई वो जा सकते हैं, बढ़िया कंपनी है, कभी आपके पास ऐसा मौका मिले तो बस ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।